धरना है। 2 अप्रैल को इस धरना प्रदर्शन पर आए हुए जिले के तमाम प्रखंडों से आप क्रांतिकारी साथियों, बताए बहने भी आए हुए हैं, हमारे हमसे छोटे अनूप भी आए हैं, हमारे गार्जियन भी आए हैं, सब मैं सब उनका हमारे पूर्व विधायक के चुनाव लड़ चुके आई प्रेम शंकर प्रसाद भी आए हैं, प्रमुख साहब आए हुए हैं, अभी परौली प्रखंड के प्रमुख भाई सुरेंद्र महान जी है, और जिले के तमाम लोग नेता और राजद के सपोर्ट के जो जिला अध्यक्ष है पिंटू पांडे भी आए हुए हैं, इसके अलावा और सारे लोग आए हुए हैं, नाम लेना संभव नहीं है। फिर हमारे मुखिया नारद राम है, सब तमाम प्रखंडों के मुखिया, प्रखंड जिले के शिक्षा विकास मित्र के को मैं हार्दिक अभिनंदन करते उनको जय भीम जय भारत करता हूँ। दोस्तों, ये मुसीबत की घड़ी है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार हमारे हक और अधिकार को लूटने के काम कर रही है। किस तरह बाबा साहब के बनाए गए नियम कानून संविधान जो बहुत मेहनत और कष्ट त्याग तपस्या से उन्होंने तैयार किया, उस हमारे जो उत्पीड़न हो रहे थे, हमारे हमें जो सताया जा रहा था, हमारे हक अधिकार लूटा जा रहा था, हमें जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया जा रहा था, जिस तालाब का पानी कुत्ते और बिल्ली पी सकते लेकिन इंसान होकर हम पी नहीं सकते थे, उस जिंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए भारत के संविधान में हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आर्टिकल 17 में छुआछूत के कोई हमको चमार कहेगा, अनुसूचित जात कहेगा, दलित कहेगा, हमको गाली देगा, हमको मारेगा, हमारे समाज के लोगों की हत्या हो करेगा, तो उसमें थी वॉन्टेड ला करके उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी, मुआवजा के रूप में उसे 9 लाख रुपये मिलेंगे, तत्काल 5 लाख 60 हज़ार रुपये मिलेंगे, इस तरह का प्रावधान उन्होंने किया है। तो ये आरएसएस के गुंडे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार जो चल रही है, आरएसएस की चल रही है, तो संविधान को खत्म करने का काम किया जा रहा है, जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहेब के द्वारा दिया गया हथियार है। जय भीम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूवी ललित दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में होने एक ऐसा संविधान में संशोधन, जो उसके धारा में संशोधन किया, एससी एक्ट जो उत्पीड़न एक्ट 1989 है, उसमें ये प्रावधान लाए हैं कि यदि किसी दलित के साथ अत्याचार होता है, जुर्म होता है, हमारे माँ बहनों के साथ जुर्म होता है, हम यहाँ बोल रहे हैं हमारी कोई हत्या कर देता है, तो उसकी गिरफ्तारी तत्काल नहीं होगी, वो एसपी आएंगे और एसपी से आदेश लेकर के तब वो गिरफ्तारी होगी। आप जानते हैं दोस्तों कि पुलिस प्रशासन कितना हमारा मदद कर रहा है, आज इंकलाबी नौजवान पूरे भारत में बैठे हुए हैं, परंतु पुलिस की बर्बरता के कारण आदिवासी हमारे हॉस्टल में झारखंड में घुसकर हमारे बहनों को मारने का काम किया गया है। अभी अदर स्टेट से सूचना आ रही है, मध्य प्रदेश या ग्वालियर से, कि वहाँ पे गोली लगी है, तो इन्हें हमारे मिशन, हमारे आंदोलन का दबाने का काम हमारे सेसों द्वारा किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो भाइयों, आज तो हम जग गए हैं, इससे भी आने वाला समय हम लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी होगी। हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप चट्टानी एकता का परिचय दिए हैं, जिस तरह से आने वाले समय में हम मिलजुल कर रहेंगे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार जो 1990 में सॉरी चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा का, हम उनकी औकात पता चला देंगे कि ये नरेंद्र मोदी 545 जो एमपी हैं भारत में, उसमें एक भी एमपी आपका नहीं जीतेगा, भारत के 2900 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश से हमारे जीतेंगे, आउट करेंगे नरेंद्र मोदी। इसलिए ये गुंडागर्दी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, हम गरीब दलित के हक लूटने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार का संविधान का हनन करने का काम कर रहे हैं, संविधान में संशोधन करके ये रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन खत्म करने का काम कर रहे थे, जो भाई हमारे सिपाही बनते थे डीएसपी तक प्रमोशन होता था, जो भाई हमारे अन्य विभागों में जाते थे तो बड़ा बाबू बन के रिटायर करते थे, कमिश्नर में यदि हमारे कोई डीएम बन गए तो कमिश्नर और मुख्य सचिव तक बनकर रिटायर होते थे, लेकिन अब नहीं होगा भाइयों मेरे, हमारे समाज के बहुत सारे लोग नौकरी पेशा भी लोग आए हुए हैं, लेकिन ये सरकार आपको वहीं तक रखना चाहती है, ये नहीं चाहती है कि हम आगे बढ़े। जब एक चमार का बेटा, एक टोम का बेटा, एक दुसाद का बेटा, एक धोबी का बेटा, एक कुठार का बेटा, पासपोर्ट का बेटा, एक बैकवर्ड का बेटा साइकिल पर चलता है, पैदल पर चलता है, तो आरएस वाले को अफसोस नहीं होगा।
रहा है, उनको खेते में हमारे माँ बहने मजदूरी करती है तो अफसोस नहीं होता है, परंतु जब एक दलित का बेटा बुलेट पर चलता है तो लगता है उसके सीने पर चल रही है। जय भीम। जब हमारे समाज के लोग दरोगा बन जाते हैं, वीडियो बन जाते हैं, एसपी बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं, तो उनको लगता है कि उनके छाती पर चढ़कर हम राज कर रहे हैं, तो हमें पीछे भेजने का काम, संविधान को ये व्यवस्था करके खत्म करने का काम किया गया। भाइयों, भीम सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाइयों, आपने देखा होगा हमारे धोबी जाति की दलित के बेटी टीना डाबी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली आईएएस टॉप की और प्रतापगढ़ का ब्रिजेश टॉप किया, तो ये लोग कहते हैं बाप रे बाप, ये लड़का टॉप कर गया, अब हमारा जनरल का भी सीट ले रहा है, तो इन्होंने ऐसा व्यवस्था कर दिया कि हम जिस आरक्षण के कोटे में है तो उतने में सीमित रहे। भाइयों, एससी एसटी ओबीसी भारत के संविधान में बाबा साहब ने लिखा है जिसकी संख्या 85% है, परंतु ये 15% वाले लोग, तो हमको आरक्षण कितना मिला है भाइयों? एसी को 15%, एसटी को 7.5%, टोटल आपको 22.5% और आपको ओबीसी वाले को 27%, टोटल 49.5% आरक्षण मिला है आपको, और 51.5% 15% वाले आरक्षण का व्यवस्था लेकर लाभ भोग रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि बाबा साहब कितने त्याग और तपस्या के बदौलत, कितने मेहनत के बदौलत 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन मेहनत के बावजूद टाइपराइटिंग से भारत का संविधान लिखे और मेहनत किए, उनका तबीयत खराब हो गया। एक ऐसा दिन था, एक ऐसा जमाना था कि बाबा साहब का बेटा मरा तो कफन देने का पैसा नहीं था दोस्तों, तो माता रामाबाई अम्बेडकर धन है हमारी माँ जिसने अपने बेटे को आंचला फार कर कफन दे दिया। सारे लोग रोने लगे, बाबा तुम क्या परिवर्तन करेगा, या तुम्हारा बेटा मर गया तो कफन देने का पैसा नहीं है, परंतु बाबा साहब बोले भाइयों, आज इस भारत के धरती पर बहुत से गरीब दलित शोषित हैं जो जिनकी लाश आज रास्ते पर चौराहे पर पड़ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है, लेकिन होता है, लेकिन मेरे बेटे तो कुछ नसीब है कि मेरी पत्नी ने आंचल फार कर उसे कफन देने का काम किया। तो दोस्तों, बाबा साहब ने आंसू पी करके, भूखे रह करके और चाय ब्रेड पर के खाना खा करके सिंबल ऑफ नॉलेज बने। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो बाबा साहब का ज्ञान का तुलना कर सके। हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, ई बराबर एमसी स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक का दिमाग आपको अमेरिका में सुरक्षित है, लेकिन उससे भी आगे जाने वाले, उससे भी ज्यादा ब्रेन रखने वाले 14 भाषा का विद्वान हमारे बाबा साहब का ब्रेन अनुवादी लोगों रखने का काम नहीं किए हैं। तो ये जो व्यवस्था है दोस्तों, आपको बाबा साहब के संविधान को खत्म करने वाले को हमको मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ दोस्तों, मौका मिलेगा तो फिर बोलेंगे, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ भाई बैठे हुए बोलने वाले लोग हैं, मैं उनको मौका देना चाहूँगा।